नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि कैथल से मिल रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर रेड की है। शिव शक्ति मिष्ठान भंडार में यहां पर रेड की गई। मिल्क पाउडर से रसगुल्ला और पनीर मंगाए जाते थे, काफी मात्रा में पकड़े गए मिल्क पाउडर के कट्टे। लोगों की सेहत से यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता था। आपको ये बड़ी खबर बता रहे कैथल से, ये बड़ी खबर देखिये। जो सीएम फ्लाइंग की टीम है लगातार एक्शन मोड में, और इससे पहले भी कई जगहों पर रेड की गई। और अब ये खबर मिलने के बाद वहां पर सूचना के आधार पर टीम वहां पर पहुंची, सैंपल्स लिए गए हैं। लोगों की सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़ हो रहा था। पनीर बनाए जा रहे थे, रसगुल्ले वहां पर बनाए जा रहे थे। मिलावट खोरों के खिलाफ ये शिकंजा सीएम फ्लाइंग का जो कि लगातार कसता जा रहा है। शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर यहाँ पर रेड की गई है। लगातार टीम पूरी तरीके से एक्शन में सक्रिय नजर आ रही है। और इससे पहले भी अलग अलग हिस्सों में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी कार्रवाई की गई, एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी यहां पर। और सूचना मिली टीम को कैथल से कि यहां पर शिव शक्ति मिष्ठान भंडार में इस तरह की चीज चल रही है। तो इसके बाद टीम वहां पर पहुंची, अधिकारी वहां पर पहुंचे और इस दौरान वेट की गई। कैथल से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, सीएम फ्लाइंग ने रेड की है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे। शिव शक्ति मिष्ठान भंडार पर यहां पर रेड की गई है। आपको ये बड़ी जानकारी दे, मिल्क पाउडर से बनाते थे रसगुल्ले और पनीर। आपको बताएं काफी मात्रा में यहाँ पर मिल्क पाउडर के कट्टे भी मिले हैं। मनोज मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस बीच फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या कुछ और जानकारी अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल में एक बड़ी रेड सीएम फ्लाइंग द्वारा लगाई गई है। इसमें सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर कवर सिंह मौके पर मौजूद थे और साथ में उनके साथ सीआईडी इंस्पेक्टर गुरदयाल सिंह मौजूद थे। टोटल 12 मेंबरों, 12 लोगों की ये टीम थी जिन्होंने एक सूचना के आधार पर प्योदा रोड पर एक मिष्ठान भंडार है, साथ में गोदाम है, वहां पर रेड की गई। रेड के दौरान काफी मात्रा में यहां जो मिल्क पाउडर है उसके कट्टे बरामद किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो वहां पर खोवा निकाला गया था, पुराना खोवा जमा हुआ था, नकली खोवा भी वहां पर मिला है। और साथ में जो रसगुल्ले है, गुलाब जामुन, मिठाई की जो भी एक्सेसरी है वो सभी अभी सैंपल के लिए भर ली गई है। कम से कम 17-18 सैंपलिंग की गई है और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ मौके पर ही थे। तो उनके जो उनकी कहना है कि जो ये सैंपलिंग है एक दो दिन के बाद ही जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो डीएसपी, जो सीएम फ्लाइंग के जो इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा जो सूचना मिली है कि जितने भी ये गोदाम है, दिवाली के पास जो शहरवासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उन पर एक सीएम के आदेश द्वारा रेड की जा रही है। और जो आज ये रेड की गई है ये बिल्कुल अगर हम बात करें तो नकली। चलो ठीक है, यानी कि लगातार